इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे मारो। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। तो यार कैसे हो? पहले तो तुम कमेंट सेक्शन में गाली दे लो क्योंकि पिछले दो शनिवार से वीडियो आई नहीं और उसका रीजन है मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया था, अब फिर आगे पंचायत बैठाने। तो यार आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मीडिया के बारे में, वही इंडियन मीडिया जिनके सूत्रों को ये तक पता होता है कि आज राहुल गांधी ने कच्छा कौन से रंग का पहना है। सॉरी यार बहुत कुछ है लपेटने को, तो बिना टाइम बर्बाद करे हुए शुरू करते हैं आज की बकचोदी। तो थोड़ा मनोरंजन लीजिए। पहले मैं तुम्हें सारा गेम समझा देता हूँ, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये सारा गेम है टीआरपी का, जिस चीज को दिखाने से टीआरपी आती है ये वो दिखाते हैं। सही गलत अच्छे बुरे से किसी को लंड फर्क नहीं पड़ता, बस टीआरपी आनी चाहिए, चाहे वो गु दिखाने से आए। और गु से याद आया, इन सारे न्यूज चैनल्स के ना अपने अपने डिबेट शो होते हैं जिसमें चार पांच चूतिए कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं, और किस लिए लड़ रहे होते हैं ये किसी को भी नहीं पता। और इतिहास गवाह यार, आज तक किसी भी डिबेट का कोई कंक्लूजन नहीं निकला, फिर भी पब्लिक इसे देखती है क्योंकि यार सीधी सी बात है, हमें मजा आता है दूसरों की लड़ाई देखने में। तभी बिग बॉस जैसा शो इंडिया में इतना चल रहा है। तो यार जैसा तुम्हें पता ही होगा कि अमिताभ बच्चन को हो गया है कोरोना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ यही अमिताभ बच्चन। तो इनके कोरोना होने को भी इंडियन मीडिया ने इतनी हाइप बना दिया ना कि इनके पेशाब करने तक की खबर भी नेशनल टीवी पे चल रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यार इस पेशाब वाली न्यूज के पीछे मुझे तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा, और अगर मेरे किसी जर्नलिस्ट दोस्त को इसमें लॉजिक लग रहा है ना, तो उस लॉजिक को ना अपनी गांड में डाल लो। चुतिया लोग साले। अबे अगला बंदा बीमार है, तुम उसकी बीमारी पे भी टीआरपी छापने का एक मौका नहीं छोड़ रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो। नहीं। यार एक होता है चूतिया, एक होता है महाचूतिया, और उसके बाद आता है जो ये न्यूज चैनल वाले हमें बनाते हैं। तुम पहले ये फोटो देखो फिर बताता हूँ तुम्हें। ऊपर बॉयकॉट चाइना और नीचे चाइनीज फोन का एड, ये तो कुछ मैच ना हुआ। यार इनका सीधा सीधा कहने का मतलब यही है, हम तो भैया चाइनीज कंपनियों से पैसा भी लेंगे, उनका प्रमोशन भी करेंगे, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हें वो प्रोडक्ट नहीं लेना है। मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। और यार इनकी एक आदत जो पर्सनली मुझे बड़ी इरिटेट करती है, वो है एक बात को दहाड़ दहाड़ के चार बार बताना। या तो ये हमें बहरा समझते हैं या फिर चूतिया कि हम एक बार में कोई भी बात समझ ही नहीं पाएंगे। बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोत के बच्चे। और किसी बात को सीधा सीधा बताना तो इनके खून में ही नहीं है, जब तक उसमें मिर्च मसाला ना लगे तब तक इन्हें ऑर्गेजम ही नहीं आता। बंद करो ये सब नाटक, कुछ लाइफ में अच्छा करो। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। तो यार ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज चैनल्स के लिए, अब देखना ना देखना तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारी गांड में तो दे नहीं दूंगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही, अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और पिछले दो हफ्तों के लिए यार सॉरी, अब से ट्राई करूँगा मस्त कंटेंट लाऊँ, जल्दी लाऊँ। ये तो हो गया उनके लिए जिन्हें पसंद आई, और अगर किसी को वीडियो पसंद नहीं आया तो ए मादर चो अपना काम करना। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोट, ला 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 ला।